We have done 5 question of exercise 15.1, 9th class. Today we will do question number 6. Refer to table 14.7, chapter 14. जो chapter 14 में 14.7 है उसको refer किया है. Find the probability that a student less than 20% in mathematics, उनकी probability निकालिए इन first part में जिनके marks क्या 20% से less हैं, and in the second part find the probability a student obtain 60 or more than. तो यहाँ पे देखिए आप, ये वाला question है अब 14.7, chapter हम 15 कर रहे हैं और ये क्या है 14 chapter में एक table given है. तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखोगे टोटल स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए जो टोटल स्टूडेंट हमारे पास है वो क्या है, सम देखिए कितना है 90, जिनके 0-20% के बीच में मार्क्स हैं ऐसे कितने हैं 7, 20-30% के बीच में ऐसे कितने स्टूडेंट हैं 10, सिमिलरली जो 70% से अबव मार्क्स हैं ऐसे कितने हैं 8. इन फर्स्ट पार्ट हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेस देन 20 प्रोबेबिलिटी, ऐसे पी लिखोगे प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लेस देन 20%, क्या है लेस देन 20%, पहले प्रोबेबिलिटी को हटाओ यहाँ से. टोटल स्टूडेंट क्या है 90, नंबर ऑफ स्टूडेंट लेस देन 20% से लेस है ऐसे कितने स्टूडेंट हैं 7, तो यहाँ पे 7, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख के आप लिखोगे लेस देन 20%, लेस देन 20% की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, ऊपर क्या रहेगा, तो ऊपर क्या रहेगा आपके फेवरेबल केसेज और अपोन में क्या रहेगा टोटल. रिमेम्बर अपोन में हमेशा टोटल रहता है और स्टूडेंट हमेशा ऊपर लिखते, याद रखना फेवरेबल 7 और अपॉन में क्या आ जाएगा 90. नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, इन द सेकंड पार्ट क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट अबव 60, ठीक है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गेट अबव 60%, 60% से जो अबव मार्क्स लेते हैं, देखिए 60 से अबव वाले कितने हैं 50, जो 70 से अबव है वो भी किस में आएंगे अबव 60 में, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे अबव 60, 15 प्लस में 8, मैंने जो यहाँ पे अबव 60 बिटवीन 60-70 है, बिटवीन 60-70 एंड अबव जो 70 है वो किस में आएंगे अबव 60 में, तो यहाँ पे ये कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट 23, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखोगे अबव 60%, अब वो 60% की क्या आ जाएगी ऊपर फेवरेबल केस और अपॉन में क्या रहेगा टोटल केस, ये हो जाएगा 23 अपॉन में 90. नाउ कम टू दी सेवंथ क्वेश्चन, हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 15.1. नाउ कम टू दी 8th सम, रेफर क्वेश्चन 2, एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन को रेफर किया गया है. What is the empirical probability that an engineer lives? First part में क्या है less than 70 किलोमीटर from her place of work. इस question में क्या है कुछ worker हैं जिनसे जहाँ पे वो काम करते हैं, ठीक है जहाँ पे हम वो worker काम करते हैं उनके घर से और place of work की जो distance है वो दी गई है, उनकी probability निकालनी है जिनकी प्लेस ऑफ वर्क टू होम की डिस्टेंस क्या है लेस देन 7 किलोमीटर है, सेकंड में मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर है, और थर्ड में क्या है विद इन हाफ किलोमीटर, आधा किलोमीटर. फर्स्ट पार्ट में लेस देन 7, ग्रेटर में मोर देन और इक्वल टू 7, और थर्ड में क्या है विद इन थर्ड पार्ट. तो यहाँ पे देखिए ये हमारा है सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2. तो यहाँ पे जो हमें पहले फर्स्ट पार्ट था ये देखिए, फर्स्ट जो यहाँ पे वर्कर है उसकी क्या है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस ऑफ वर्क टू द होम 3, 3, नेक्स्ट की 10, फोर्थ की 20, फिफ्थ वर्कर की डिस्टेंस मतलब कितने का वर्कर के आता है 25, नेक्स्ट 11, नेक्स्ट 13. इसमें इन्होंने बोला है कि लेस देन 7 इन द फर्स्ट पार्ट, लेस देन 7 काउंट कीजिए 1, 2,
3, 4, 5, 6 and 7, 7, 8, 9। तो ऐसे कितने वर्कर हैं जो 7 से लेस किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करके अपने काम पे आते हैं 9, और टोटल यहाँ पे वर्कर कितने हैं 40, दी डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर। ठीक है, टोटल वर्कर्स हमारे पास कितने हैं 14। नंबर ऑफ वर्कर्स हु कवर डिस्टेंस लेस देन 7 किलोमीटर, ऐसे कितने वर्कर हैं 7 वर्कर हैं। तो प्रोबेबिलिटी लेस देन सेवन किलोमीटर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऊपर फेवरेबल केस और नीचे फेवरेबल की स्पेलिंग कंप्लीट कीजिएगा आप अपॉन में टोटल केसेज। ठीक है, तो फेवरेबल केसेज हमारे क्या हैं 7 और अपॉन में टोटल क्या है 40। नाउ कम टू दी सेकेंड पार्ट। सेकेंड में हमें क्या था, देखिए टोटल तो वर्कर कितने हैं हमारे पास 40, और टोटल जो वर्कर हैं हमारे पास 40। अब उस फर्स्ट पार्ट में लेस देन 7 वाले कितने थे 9 वर्कर। अब इन्होंने कहा इक्वल टू 7 और मोर देन इक्वल। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर हु कवर डिस्टेंस मोर देन और इक्वल टू 7, मोर देन और इक्वल टू 7। टोटल बेटा क्या है 40 है, लेस देन 7 वाले कितने हैं 9, तो जितने बच गए 40 में से उन 7 को छोड़ के जो बच गए वो मोर देन 7 है और इक्वल टू 7 है। तो बगैर काउंट किए भी आप पता कर सकते हो 40 टोटल वर्कर में से अगर मैं लेस देन 7 के कितने थे 9, तो जो 31 वर्कर हैं हमारे वो कितने हैं इक्वल टू और ग्रेटर देन 7। ध्यान से सुनिए, लेस देन 7 के कितने वर्कर थे 9, टोटल वर्कर कितने थे 40। हमें किसकी निकालनी है ग्रेटर देन 7 और इक्वल टू 7, या तो आप काउंट कीजिए 7 वाले डिजिट 7 नंबर इसमें काउंट कीजिए और 7 से ग्रेटर, या 40 में से वो फर्स्ट पार्ट के 9 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 31। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है इक्वल और मोर 7 किलोमीटर की, मोर देन 7 किलोमीटर की। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल केस कितने 31 और टोटल हमारे क्या है 40।